सब कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इस कहानी को मैंने शुरू किया और खत्म भी मैं ही करूंगा। जब मैं फोड़ना शुरू करूंगा ना, इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्या क्या होगा। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। महाराज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी। बंदूक दिखा के डराता है क्या? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी कास्टिंग और एक्शन वाली फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के लगभग सारे ही बड़े सुपरस्टार एक्शन करते हुए दिखा देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक बड़ी एक्शन मूवी शूट आउट एट वाइकुला की। आपको बता दें कि ये फिल्म शूट आउट फिल्म का थर्ड पार्ट होने वाली है। वैसे तो इस फिल्म के पहले दोनों पार्ट हिट रहे थे, लेकिन अब की बार थर्ड पार्ट को और भी काफी बड़े लेवल पर बनाए जाने की बात हो रही है। इस फिल्म की कास्टिंग को बढ़ाकर और बड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ फिल्म में हमें हाई एक्शन के साथ साथ फिल्म का बड़ा बजट भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें संजय दत्त, जॉन अब्राहम, सनी देओल, बॉबी देओल, इमरान हाशमी, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन जैसे और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म में जब इतने सारे सुपरस्टार होंगे तो फिल्म में एक्शन किस कदर का होने वाला है। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फिल्म के स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और 2024 के स्टार्टिंग में फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी। फिल्म के लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग काफी बड़ी है जिसमें बड़े से बड़ा सुपरस्टार अपना रोल निभाने वाला है। अब देखना ये होगा कि इन सभी सुपरस्टार में कौन सा सुपरस्टार लोगों का दिल जीतता है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। देखना ये होगा कि संजय गुप्ता फिल्म में इतनी बड़ी कास्टिंग के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कास्टिंग को हैंडल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अब संजय गुप्ता पर ही डिपेंड है कि वो फिल्म को किस मोड़ पर लेके जाते हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी को, तो फिल्म की स्टोरी वैसे भी काफी दमदार है, क्योंकि फिल्म में हमें काफी बड़े लेवल पर एक्शन मिलेगा और अब की बार तो वो एक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा, वो भी खतरनाक हथियारों के साथ, क्योंकि ये फिल्म एक गैंगस्टर बेस्ड है। इसमें कई सारे गैंगस्टर आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखना ये होगा कि इतने सारे गैंगस्टरों में आखिर कौन जिंदा बचता है। मेकर्स की तरफ से फिल्म की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट में दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, तो अब हमें जल्दी फिल्म का कोई पोस्टर या कोई अनाउंसमेंट वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कुछ ना कुछ हिट तो जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे फिल्म के बजट की, तो बजट काफी बड़ा है, क्योंकि पहले तो फिल्म की कास्टिंग इतनी बड़ी है, दूसरा फिल्म में हमें काफी बड़े लेवल पर एक्शन मिलेगा। तो आपको बता दें कि इसका बजट 200 करोड़ का है। अब देखना योगा कि इतनी बड़ी कास्टिंग और इतने बड़े बजट के साथ संजय गुप्ता आखिर करते क्या है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।